तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो एंट्रोपी चेंज को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू होता है हमारे पास है इंट्रोगेशन, यहां पर जो आपके पास होगा हीट होगा, डी क्यू बटे में ये हमारा होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना है तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर मान लो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो क्या कर सकते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंट्रोपी को हम डेल्टा एस इंडिकेट कर रहे हैं और क्या लिख सकते हो डी क्यू के बदले में, क्या लिखोगे यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सबको मालूम है कि यहां पर टी कांस्टेंट है तो टी को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, टी को बाहर निकाल दोगे यहां पे और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा तो सिर्फ क्यू लिखिएगा, यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन टी हो जाएगा। कुछ ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग के पास एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, रिया एंड यहां तक आप लिख लो एंट्रोपी चेंज के लिए डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, ये कहां से आया कैसा आया ये बस मेजर करने का एक तरीका होता है। डी क्यू बाई टी जिसका होगा वैल्यू आपको इसका इंटीग्रेशन निकाल दोगे उसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डी क्यू अपॉन टी होगा और टी कांस्टेंट है तो टी को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा तो क्यू अपॉन टी, बस इतना ही लिखना होगा। यहां तक सब नोट कर लिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज हम लोग और नोट कर लेंगे डी क्यू बटे में टी ये जो आपका हीट होता है यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही जनरेट होता है, यहां पर लिख सकते हो। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर और भी सारी कंडीशन अप्लाई कर करके इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को क्या क्या और भी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर एन आइडियल गैसेस। अगर मान लो कि मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया जाए देखो अगर इसके अंदर अंदर लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो याद रखना ये जो आपके पास होगा फोर एंड आइडियल गैस के लिए होगा, अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया जाए तो सबको मालूम है कि डेल्टा यू को मैं ये डी यू से इंडिकेट कर दे रहे हैं टी क्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू होता है तो ये स्मॉल चेंज के लिए तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होगा और डी क्यू की अगर हम वैल्यू फाइंड कर ले यहां से तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। देखो यहां से डी क्यू का मान निकालोगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा कुछ इस तरीके, सॉरी जिस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे डेल्टा एस की वैल्यू की जगह पर पुट करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू क्या था डी क्यू था मतलब और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये रहा तो पुट कर दो यहां पर डी यू माइनस डी डब्ल्यू और बटा में क्या था बच्चे लोग यहां पर टेम्परेचर था। अब देखो इसमें डी यू की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं एन सी वी डी टी, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पर इतना पुट किया जा सकता है और डी डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं
माइनस पी डी भी लिखा जा सकता है, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बटे में टी। अब इसको टू पार्ट में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। टू पार्ट में अगर मान लो कि इस कंडीशन में अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर वो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमको डेल्टा एस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उस कंडीशन में? तो देखो टेम्परेचर तो चेंज होगा फिर किसी कंडीशन पे, तो मान लो कि टी वन से लेकर टी टू टेम्परेचर चेंज हुआ, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी, फिर क्या माइनस माइनस हो गया प्लस। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम में आपके पास कुछ चेंजिंग आएगी, तो V1 से V2 लिख देना और यहां पर क्या लिख दोगे, P dV, और बटे में कितना है, T यहां पर भी होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी है। चलो जब दोनों ही कंडीशन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्टली हमको फॉर्मूला मालूम, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा क्यू का मान निकालना पड़ेगा, यहां पर हमने पुट कर दिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर टी वन से टी टू को इंक्रीज करेंगे, और डीवी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो वी वन से वी टू लिख देंगे। ओवरऑल चेंजिंग को कैलकुलेट इसी तरह से करते हैं। अब इसमें आगे पुट करेंगे, अभी इसमें बहुत सारे कंडीशन दिखाएंगे, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। ये तो फॉर्मूला बताया था ना, ये तो दोनों के लिए अप्लाई कर देता है ना, अगर डी डब्ल्यू की जगह पर ये पुट करना है तो ये दोनों पे काम कर जाता है। बोलो। अच्छा चलो बच्चे लोग, अब इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलो यहां देखो, तो इसमें ये टेम्परेचर है तो एनसीबी तो कांस्टेंट है, इसको तो हम डायरेक्टली ऐसे बाहर निकाल सकते हैं एनसीबी, और यहां पर क्या हो गया टी वन टू टी टू, बचा आपके पास डी टी बाई टी प्लस, यहां से देखो P by T है, P by T के बदले में क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि देखो यहां पर dV है और ये P by T के टर्म में दिया हुआ है, तो काम करो आइडियल गैस इक्वेशन से पता है कि PV is equal to होता है nRT, तो P by T का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो nR बटे में भी लिख सकते हैं हम लोग है, तो ये चीज हम इसकी जगह पर पुट करने जा रहे हैं। तो देखो तो क्या लिख सकते हैं आप, बी वन टू बी टू, और ये P बाई टी के बदले में एन आर बटे में भी, और ये हमारा हो गया डी वी। चलो अब इसको पूरा मिटाते हैं। अब यहां देख के बताओ डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन बाई टी का ही सिर्फ बताना है, तो वन बाई टी का एलएन होता है, और ये टी वन टू टी टू, इसी तरीके से यहां बताओ इधर कितना हो जाएगा, एन आर तो कॉन्स्टेंट है, एन तो मोल्स है तो कॉन्स्टेंट रहेगा, और आर आपके पास ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां पर डीवी के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ वी का इंटीग्रेशन होगा, और वन बाई वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी फिर से एल एन भी लिख देंगे, और चेक कर लो कितना हो जाएगा, ये यहां पर पुट करोगे ना एल एन, पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है तो टी टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो टी वन, एन आर एल एन वी टू माइनस एल एन वी, कुछ हमारा इस तरीके से होगा। तो अब इसके बाद देखो तो क्या हो गया यहां पर एन सी बी, ये एल एन टी टू बटे टी वन हो गया, ये एन आर ये कितना हो गया एल एन वी टू बटे में वी वन, और ये हमारा हो गया डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहां तक फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर एलएन को कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग में, बताओ तो एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर तो टू
पॉइंट इसके लिए भी लिखेंगे और इसके लिए भी लिखेंगे तो क्यू नाम इसको कॉमन ही ले लें, तो 2.303 लिखेंगे तो एन सी बी और ये लॉग हो जाएगा टी टू बटे में टी वन। यहां पर भी लिखोगे एल एन को लॉग में लिखोगे तो 2.303 एन आर लॉग बी टू बटे में बी वन। तो ये हमारा फॉर्मूला पूरा बन जाएगा किसके लिए, तो चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। देखो तो अगर हम चाहेंगे यहां पे वी टू बटे में वी वन के बदले में बताना इतना लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग आइडियल गैसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास अगर गैसेस आइडियल गैसेस हो तो वहां पर क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज बताओ यहाँ पे आइडियल गैस के लिए तुम लोग पढ़े कि P1 V1 बटे में T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे में T2। ये सब गैसेस कंबाइन करके हम लाते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन है ये। अगर मैं आपसे पूछूं V2 बटे V1 के बदले में क्या लिखेंगे यहां से, तो देखो यहां से V2 यहां पर है, इसको V1 इसके नीचे कर दो तो V2 बटे में V1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P1 T2 बटे में P1 T2 बटे में P2 T1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कि यहां पर V2 यहां पर था, V1 को इसके नीचे ले गए तो V2 बटा V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 T2 और P2 T1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आराम से हो जाएगा। तब बताओ कि डेल्टा एस को फिर कितना लिखा जा सकता है, तो ये वैल्यू V2 बाई V1 को बदले में यहां पुट करना ही पड़ेगा। पुट करोगे तो खुद से देखो कितना लिख सकते हो, तो 2. एक काम करते हैं 2.303 हम लास्ट में लिखेंगे, बीच में बार बार लिखने में ये फॉर्मूला आप तो जान गए, हम ये वाला ज्यादा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो ये लंबा चौड़ा फिर बार बार लिखना पड़ रहा है। एनसीबी लिख लो, एनएल लिख लो, T2 बटे में T1 लिखो और प्लस एनआर लिख दो। अब यहां देखो एलएल ये V2 बटे में V1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो P1 T2 बटे में P2 T1। अब हम फिर से एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो लॉग ln m into n, तो log m into n के लिए क्या पुट कर सकते हो, याद है log m into n, log m अब प्लस लिखोगे तो nr उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ln t2 अपॉन t1 यहां तक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इसके बाद, अब देखो कि इसमें से फिर कॉमन क्या ले सकते हैं, तो T2 बाई T1 दिख रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी दो दो जगह है, ठीक है तो एक काम करो कॉमन ले लो, तो कॉमन तो n भी है, n भी कॉमन ले लेना, n ln T2 बटे में T1 अगर कॉमन लेंगे तो यहां से C भी बचेगा और यहां से बचेगा आपके पास R और यहां से बचेगा n R ln P1 बटे में P2। अच्छा चीज बताओ C भी प्लस R की जगह पर कुछ और भी रख सकते हैं, चलो वेरी गुड, क्योंकि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू बताए आर होता है, तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तो इसको इधर भेजोगे तो सीबी प्लस आर की जगह पर सीपी भी लिखा जा सकता है, तो ये यहां पर सीपी भी हो सकता है और एन आर एल एन P1 बटे में P2। इसी को अच्छे से लिख रहे हैं एन सीपी एल एन T2 बटे में T1 प्लस एन आर एल एन P1 बटे में P2। आप चाहोगे तो ln को फिर log में लिख के वही चीज है, तो ये हमारे पास फाइनल निकल के आ जाएगा हर कंडीशन पे। आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी को किस तरह से कैलकुलेट करें, बहुत सारे फॉर्मूला हमारे पास हो गए। P1 और P2 के रिस्पेक्ट में भी था, अब देखे थे पीछे वॉल्यूम के भी रिस्पेक्ट में हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब अलग अलग कंडीशन अप्लाई करके चेक करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे किस कंडीशन पे कौन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां तक नोट कर लिए सब लोग, चलो चलो यहां देखो फोर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर सपोज लो आप कर लो आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो पहले ये बताओ कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि V1 और V2 इक्वल है, अगर V1 V2 इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं,
एन सी बी था, एल एन टी टू बटे में टी वन था, और फिर क्या था, प्लस एन आर था, एल एन वी टू बटे में वी वन था। अब ये देखो जब दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाएगा, तो एल एन वन हो जाएगा। एल एन वन का मतलब लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू कितना बताया था, लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी। तो ये पूरा कैंसिल हो गया आपके पास, यानी कि अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो बस हमें यही फॉर्मूला से मतलब है बस। आप चाहोगे तो एलन को हटा के तो जानते हैं, इसलिए बार बार लिखने की क्या जरूरत है, एलन हटा के लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ तब ये यूज करेंगे। सेकेंड देखो, अगर मान लो कि मेरे पास फोर आइसोबेरिक प्रोसेस हुआ, तो आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर क्या कॉन्स्टेंट होता है, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट कर देंगे तो पी वन इज इक्वल टू पी टू हो जाएगा, और पी वन पी टू इक्वल हो गया तो प्रेशर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो डेल्टा एस क्या था, तो हमारे पास डेल्टा एस तो ये तो सब में था, एन सी पी था, और एल एन टी टू बटे में टी वन था, अभी जस्ट बताया है एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू, ये फॉर्मूला था जिसमें पी वन पी टू सेम हो गया, तो ये चीजें तो पूरी जीरो हो गई। तो डेल्टा एस जो हमारा कैलकुलेट होगा वो एन सी पी एल एन टी टू बटे में टी वन से हो जाएगा। चलो अब अगर मान लो कि मेरे पास जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, फोर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल रहा तो डेल्टा एस जो आपके पास होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले बताओ क्या कॉन्स्टेंट होता है, उसके बाद तो टी वन बाई टी टू सॉरी टी वन इज इक्वल टू टी टू लिख सकते हैं, और दोनों ही फॉर्मूला में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वाला फॉर्मूला से क्या बचेगा, डेल्टा एस जो आपके पास होगा या तो इसके इक्वल हो जाएगा एन आर एल एन वी टू बटे में वी वन, या फिर किसके इक्वल होगा, या तो इसके इक्वल भी हो सकता है क्योंकि ये जीरो हो गया, तो ये वैल्यू इसके भी इक्वल हो सकता है और ये वैल्यू इसके भी इक्वल हो सकता है, यानी कि बोल सकते हैं एन एन आर एल एन पी वन बटे में पी टू, ये दोनों लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके ऊपर है, चलो चलो क्वेश्चन सब लिखेंगे यहां से। देखो तो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन टू मोल। अच्छा एक चीज और, आपको यूनिट नहीं बताया, यूनिट क्या होता है एंट्रोपी का, क्या होगा खुद से सोच के बताओ, तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी अभी जो फॉर्मूला लिखे उसके अकॉर्डिंग, मतलब अभी जो डेल्टा एस इक्वल टू बताया ना कि टी क्यू रिवर्सिबल बटे में टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ था तो क्यू है मतलब हीट है, हीट के लिए क्या लिखोगे, यहां पे किलो जूल होता है और टेम्परेचर कैल्विन, तो किलो जूल पर कैल्विन और पर मोल भी बोलना पड़ता है, कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि ये सब जितनी सिस्टम है ना सब पर मोल के लिए, आपके पास जो एंथैल्पी होती है वो भी पर मोल के लिए ही डिफाइन है, सब एक मोल के लिए डिफाइन है। तो ध्यान में रखना किलो जूल, किलो जूल नहीं जूल ही बोल सकते हो ना, क्योंकि जूल ही होता है ना, जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ध्यान रखना इसमें। चेंज ही है चेंज, क्योंकि यूनिट निकाल के जब आंसर लिखोगे तो यूनिट तो देना ही पड़ेगा, तो याद रखना कि आप जब भी यूनिट दे रहे होंगे तो वहां पर आंसर में मोल इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि
आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि एंट्रोपी चेंज की यूनिट क्या होती है, तो मोल इनवर्स किसी ऑप्शन में होगा भी, नहीं भी लिखा भी होगा, ध्यान से सोच समझ के लिखें। जितने आपके पास बढ़ा रहे थे स्टेट फंक्शन, जैसे एंट्रोपी हो गया, चेंज इन थाल्पी हो गया, फिर से चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, सब पर मोल के लिए डिफाइन है, सब मोल इनवर्स होगा उस सबके यूनिट के अंदर। When two mole of an ideal gases expands reversibly, ठीक है, and isothermally from 2 dm cube to 20 decameter cube at 300 Kelvin. बस कैलकुलेट करना एंट्रोपी कितना चेंज हुआ जब दो मोल का आपके पास आइडियल गैस था, एक्सपेंड हुआ रिवर्सिबली भी, और साथ में आइसोथर्मली का भी कंडीशन दिया हुआ है, 2 dm cube से 20 dm cube हो गया 300 Kelvin के ऊपर। तो कितना कैलकुलेट हुआ, आपको एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना है। तो एंट्रोपी चेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो चेक करो तो कितना होता है फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू अभी जो बताए हम लोग हैं, तो वॉल्यूम है आइसोथर्मल, एक मिनट ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, आइसोथर्मल का कंडीशन है T1 T2 सेम है, मतलब गया, मतलब ये फॉर्मूला दोनों हो सकता है, तो मेरे पास तो प्रेशर कहीं क्वेश्चन में ही नहीं है, तो इसी पर हम पुट करेंगे डायरेक्टली। तो एन आर एल एन वी टू बटे में V1 और एल एन को यहां पर कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, 2.303 कर देंगे, लॉग में लिखना होगा, तो एन होता है मोल, मोल हमारे पास गिवन है 2, और आर की वैल्यू होती है जूल में, कितना होती है 8.314, लॉग V2 पुट करोगे 20, V1 करोगे 2, कट गया 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो बस आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कर देना है, तो आ जाएगा 38.294 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चलो यहां तक सब लोग फटाफट इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं उसको तुम लोग ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थ्री मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड 10 atm आर हीटेड टू 320 केल्विन एंड द प्रेशर चेंज्ड टू 5 atm, कैलकुलेट डेल्टास। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड 10 atm आर हीटेड टू 320 केल्विन एंड द प्रेशर चेंज टू 5 atm, तो डेल्टा एस कितना होगा, इसको करना है कैलकुलेट हमें। तो ये आप लोग क्या करना है, करके हमको भेजना कल, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा,